एक बार जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाए तो फिर बारी आती है कटाई की। किसान भाइयों, दलहनी फसल के भंडारण का भी खासा ख्याल रखना होता है ताकि आपकी मेहनत की उपज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। फलियां जब पक जाएं और सूखने लगे तब कटाई कर मड़ाई करें। दलहनी फसलों में धोरा या घून अधिक लगता है, इसलिए दोनों को अच्छी तरह सुखाकर उपयुक्त जगह पर भंडारित करें। इस तरह से अनुशंसित प्रजातियों, फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा की उन्नत तकनीक को अपनाकर चना की अच्छी फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जैसे क्षेत्रवार अनुशंसित रोग रोधी प्रजातियों का ही चुनाव करें, प्रमाणित बीजों का उचित मात्रा में प्रयोग करें, बीजों को कवकनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से शोधित करने के बाद ही बोएं, मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, समय से खरपतवार नियंत्रण करें, फूल आने पर सिंचाई न करें, कीट नियंत्रण के उपाय समय समय पर अपनाएं।